मैथ की वर्किंग में पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका 1 और 2 का पार्ट हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 9 × 5 − 15 + 8, इसको आपने डीमैस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मतलब पहले आपने हर क्वेश्चन में डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। यानी पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसे प्लस करना है और उसके बाद आपने उसमें सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है। 9 × 5 − 15 + 8। सबसे पहले अब डिवीजन तो इसमें क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, तो नंबर 2 पे आ जाते हैं मल्टीप्लाई, तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 5 = 45, बाकी एज इट इज़ −5 + 8। अब हमने करना ये है कि देन मल्टीप्लाई के बाद हमने एडिशन करना है यानी प्लस, तो हम 8 की जो प्लस की वैल्यू है उसको यहाँ पर राइट करेंगे और माइनस वाली को यहाँ पर राइट कर देंगे। 45 में प्लस किया हमने 8 − 15, 45 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 और माइनस करेंगे 15 से। 53 में हमने माइनस किया 15 को तो हमारे पास आ गया 38 जो कि हमारा आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना है और देन आपने उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 7 × 6 − 8 + 25 / 3। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमने इसको डिवीजन करना है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 15 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे 7 × 6 − 8 प्लस, इसको सॉल्व किया तो 5। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई वाला पोर्शन करना है, तो 7 × 6 = 42 मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब मल्टीप्लाई जब हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया 42, तो उसके बाद हमने करना है एडिशन। तो जो प्लस वाला है हमारे पास फिगर डिजिट जो प्लस वाला है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे और माइनस वाले को यहाँ राइट कर देंगे। 42 में 5 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 47 माइनस 8, ये वाला यहाँ नीचे ले आएंगे। 47 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37 जो कि हमारा आंसर है।